अरे सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र है आप आ गई। बाकी सारा खाना तो मैंने तैयार कर लिया है, बस मुझे ये बता दें कि हैदर को मीठे में क्या पसंद है। शाही टुकड़े। हैदर को शाही टुकड़े बहुत पसंद है। ये यहाँ क्या कर रही है? इसे मैं लेके आई। मुझे जंग जीतने का कहकर खुद ही मेरी हार का सामान ले आई इस घर में। मुझे समझ नहीं आ रहा आप उसे इस घर में क्यों लेके आई हैं। इधर आओ मेरे पास। यहां आओ। आओ तो सही, यहां बैठो। मुझे नहीं बैठना। आओ। ये बताओ कि तुम्हें मुझ पे कितना भरोसा है? पर सब में भरोसे की बात कहां से आ गई? मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। तुम्हें मुझ पर और मेरे फैसलों पर यकीन है? ये भरोसे और यकीन क्यों लिए था मैं इस घर में लौटी थी मैं? तो फिर बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मैं ऐसा कोई फैसला नहीं करूंगी जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। रही महमिल, तो मैं चाहती हूं कि वो हमारी नजरों से ओझल ना हो, वरना वो हैदर को भी हमारी नजरों से ओझल कर देगी। तो इस तरीके से तो वो हैदर की नजरों के सामने भी रहेंगी ना, फिर मैं कैसे हैदर के दिल में जगह करूंगी? अगर तुम समझदारी से काम लोगी तो उसे तुम ही तुम नजर आओगी, अपनी जिंदगी में भी और घर में भी। और महमिल, बेनाम रिश्ते बेनाम ही रह जाते हैं। वक्त की धूल उन्हें इस तरह ढक लेती है कि उनके होने पर भी गुमान होने लगे। मैं नहीं चाहती कि हमारी आंखों से दूर बाला ही बाला वो फिर से हैदर को अपनी जुल्फों का असीर कर ले। तो आप हैदर को वहां जाने से रोके ना। ये भी करके देख लिया मैंने, लेकिन मर्द की फितरत होती है अगर कोई औरत उससे सहारा मांगे तो उसकी मर्दानगी को तस्कीन मिलती है। वो उसे अपनी छांव में लाकर एक अजीब सा मुतकब्बिर हो जाता है। और महमिल तो उसके चचा की बेटी भी है। वो इस नाते भी ये हरगिज नहीं चाहेगा कि महमिल दरबदर हो जाए। अगर वो हमारी आंखों से दूर रहेगी तो हैदर छुप छुप के उससे मिलेगा और फिर किसी कमजोर लम्हे में वो उसकी मुर्दा मोहब्बत में फिर से जान डाल देगी। समझी?